सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप देवरिया जिला के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। देवरिया जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक देवरिया जिला के नाम से जाना जाता है। देवरिया जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग की ओर बसा है, जिस वजह से इसकी सीमाएं बिहार राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर देवरिया शहर में मौजूद है और देवरिया जिला गोरखपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। देवरिया जिला पहले गोरखपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में देवरिया को गोरखपुर जिला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। गोरखपुर जिला के दक्षिण से पूर्व भाग के कुछ हिस्से को लेकर देवरिया जिला का गठन किया गया था। इस जिले का गठन 16 मार्च साल 1946 में गोरखपुर जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। इससे पहले देवरिया गोरखपुर जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। देवरिया जिला के पड़ोसी जिला का नाम